नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कलोनिया इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नए प्ले के साथ। तो हम विलियम शेक्सपियर के बारे में बात कर रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोमियो एंड जूलियट के बारे में। रोमियो एंड जूलियट के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को जानेंगे और फैक्ट को करने के बाद हम इसका समरी को डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आए। तो लीजिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट अस बिगन नाउ। नाउ टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट रोमियो एंड जूलियट। ये एक विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले है। रोमियो जूलियट का ये जो प्ले है, ये एक ट्रेजेडी है। जी हाँ, ये एक रोमांटिक ट्रेजेडी है। तो आपको ये याद रखना है कि ये एक ट्रेजेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 1591 से लेकर 1595 के बीच में। इसको लिखा भी गया था और कहा जाता है कि 1595 के अंदर इसको परफॉर्म भी किया गया था। और इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन की अगर बात करें, तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि इसका फर्स्ट पब्लिकेशन जो है वो क्वार्टो नाम का एक पैम्फलेट होता था। क्वार्टो नाम का एक पैम्फलेट होता था जिसके अंदर 1597 के अंदर इसको इंडिविजुअल प्ले के रूप में पब्लिश करवाया गया था। और ये डेट याद रखिए, 1591 से लेकर 95 के बीच में इसको लिखा भी गया था और इसको परफॉर्म भी किया गया था। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो 1595 के अंदर इसका जो पहला ये जो स्टेज पहला जो एक्ट है पहला प्रोग्राम जो है वो 1595 में किया गया था। अगर हम बात करें विलियम शेक्सपियर के जो अलग प्ले हैं, जैसे कि हैमलेट की बात करें, तो वैसे तो हैमलेट विलियम शेक्सपियर का शानदार प्ले है। अगर रोमियो जूलियट जो प्ले है, रोमांटिक ट्रेजेडी है, इसका कंपैरिजन, इसकी तुलना अगर हैमलेट से की जाए, तो हम आसानी से ये बोल सकते हैं कि ये लगभग दोनों ऐसे प्ले थे, रोमियो जूलियट एंड हैमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर के शानदार प्ले में से गिने जाने जाते हैं। और उनका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा फ्रिक्वेंटली परफॉर्मेंस हुआ था विलियम शेक्सपियर के लाइफ टाइम के अंदर। तो गाइस, कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि रोमियो जूलियट हो गया, हैमलेट हो गया, ये ऐसे मोस्टली प्ले ऐसे थे विलियम शेक्सपियर के जिनको उनके लाइफ टाइम के अंदर इनको काफ़ी बार फ्रिक्वेंटली इनको परफॉर्म किया गया, स्टेज किया गया। और अब हम बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज़ की। अगर हम फिल्मों की बात करें, तो रोमियो जूलियट एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है, एक ऐसा प्लॉट है जिसको अलग अलग भाषाओं के अंदर एक लव स्टोरी के रूप में, एक रोमांटिक ट्रेजेडिक ड्रामा के रूप में इसको यूज़ किया गया है। अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, तो कयामत से कयामत जो मूवी है, आमिर खान के ऊपर फिल्माया गया है, इस मूवी के अंदर जो थीम है वो लगभग रोमियो जूलियट से लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर दो फैमिलीज़ होती हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और उन दोनों ही फैमिली से एक बॉय, एक लड़का, एक लड़की, उन दोनों फैमिली से प्यार करने लग जाता है। और जानते हैं कि उनकी जो हिस्ट्री है, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके खिलाफ होते हैं। तो कुल मिलाकर ये बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्यार होता है जिसके अंदर दो अभागे प्यार करने वाले लास्ट में एक ट्रेजेडी को प्राप्त होते हैं, मतलब दे गेट फॉल इन ट्रेजेडी। तो इस प्रकार ये एक स्टोरी थी। और अगर हम फिल्मों की बात करें, तो रोमियो जूलियट काफ़ी शानदार सब्जेक्ट मैटर रहा है। सभी लैंग्वेजेस की बात करें, सभी कंट्रीज़ में ये काफ़ी पॉपुलर रहा है। देखिए, अब हम बात करते हैं, अगर हम रोमियो जूलियट को रीड करते हैं, तो हमारे मन में एक पॉइंट आता है, और UGC नेट के एग्ज़ाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आपको रोमियो जूलियट जो है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो किससे बोरो किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, विलियम शेक्सपियर ने एक वर्क पढ़ा था। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले अगर हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, तो इंग्लिश लिटरेचर में एक ट्रांसलेशन हुआ था, ठीक है, और उस ट्रांसलेशन को करने वाले कोई और नहीं थे, उनका नाम था अर्थर ब्रूक, BROOKE, अर्थर ब्रूक नाम के एक ट्रांसलेटर थे। एक जो नरेटिव पोइम लिखी थी उन्होंने, तो अर्थर ब्रूक ने क्या किया, एक इटालियन टेल थी, ठीक है, इटली की एक टेल थी, जिसको ट्रांसलेट कर दिया, और ट्रांसलेट करके इनको नरेटिव पोइम लिखा, जिसका नाम था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोज एंड जूलियट। ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट,
ये भाई अर्थर ब्रूक नाम का एक इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक ट्रांसलेटर हैं, एक पोइट हैं। उन्होंने क्या किया, इटालियन टेल थी एक, उसको नरेटिव पोइम, इंग्लिश के अंदर नरेटिव पोइम के अंदर ट्रांसलेट कर दिया। उसका नाम रखा गया था द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियो एंड जूलियट। तो ये बात याद रखिए, अर्थर ब्रूक ने इटालियन टेल को ट्रांसलेट करके नरेटिव पोइम में लिखा। और अगर उसके आगे हम बात करते हैं तो अर्थर ब्रूक जो थे उन्होंने ट्रांसलेटेड जो इटालियन टेल थी इसको ट्रांसलेट किया था 1562 के अंदर। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर नरेटिव पोइम को देखकर, ठीक है, नरेटिव पोइम कौन सी, ये जो बता रहा हूँ था ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोज एंड जूलियट, इसको देखकर अर्थर ब्रूक की जो ये ट्रांसलेशन है इसको देखकर विलियम पेंटर नाम के एक प्रोज राइटर थे, ठीक है, विलियम पेंटर नाम के प्रोज राइटर थे, उन्होंने अर्थर ब्रूक की ट्रांसलेशंस को, मतलब उसकी जो नरेटिव पोइम थी उसको प्रोज के अंदर ट्रांसलेट कर दिया, उसको प्रोज में लिख डाला, ठीक है, 1567 के अंदर, और उसका नाम रखा था पैलेस ऑफ प्लेजर। अब देखिए विलियम शेक्सपियर का जब समय आया तो इन इसको दोनों ही पढ़ने को मिला। अगर हम बात करें अर्थर ब्रूक की तो उनकी जो इटालियन टेल को जो इटालियन टेल की जो ट्रांसलेशन थी, ठीक है, उनकी जो ट्रांसलेशन थी द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियोज एंड जूलियट, तो इसको पढ़ने का भी चांस मिला विलियम शेक्सपियर को। और उसके साथ साथ विलियम पेंटर, इनका जो प्रोज वर्क था पैलेस ऑफ प्लेजर, इसको भी पढ़ने का चांस मिला। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद फाइनली विलियम शेक्सपियर ने रोमियो जूलियट लिखा एज ए प्ले। ठीक है, तो ये बात याद रखिए, अगर एग्जाम में आता है कि ये पर्टिकुलर वर्क किससे इंस्पायर्ड है तो ये दो नाम याद रखने हैं, अर्थर ब्रूक और विलियम पेंटर। अब हम बात करते हैं ये जो प्ले है इसको हम, इसका पूरा नाम क्या है, द मोस्ट एक्सलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, द मोस्ट एक्सलेंट एंड लेमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, तो ये कंप्लीट नाम है, इसको याद रखना है। तो लीजिए गाइज, फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करने के बाद अब हम बात करते हैं समरी के बारे में। तो कहानी को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताता हूँ जो डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ इटली के अंदर। इटली के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है वेरोना। याद रखिए मैं आपको इटली में ले गया, इटली में ले जाने के बाद वहाँ पर एक सिटी है जिसका नाम है वेरोना। वेरोना सिटीज के बारे में आपने बहुत बार सुना है क्योंकि पहले भी बहुत सारे राइटर्स ने एज ए अपने प्ले या अलग वर्क में इसको अपने सेटिंग के अकॉर्डिंग रखा है। तो वेरोना भाई, रोमियो जूलियट की भी सेटिंग जो है वो वेरोना सिटी में रखी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंस की, ठीक है, प्रिंस की बात करते हैं। और सबसे पहले तो प्रिंस एस्कलस, देखिए वेरोना सिटी का जो प्रिंस होता है उनका नाम है एस्कलस। अब प्रिंस एस्कलस के परिवार में दो किन्समैन होते हैं, किन्समैन का मतलब होता है उनके परिवार के लोग, ठीक है। तो पहला जो बंदा है उनका नाम है, तो भाई प्रिंस एस्कलस के परिवार में दो फैमिली मेंबर्स हैं जिनका पहले का नाम है काउंट पेरिस, तो काउंट पेरिस है, दूसरा है मर्कुशियो, ठीक है, ये दोनों पर्सन हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। तो मर्कुशियो और काउंट पेरिस जो होते हैं वो किन्स मैन होते हैं एस्कलस के। अब हम बात करते हैं वेरोना सिटी की। तो वेरोना सिटी के अंदर दो फैमिलीज रह रही हैं, पहली फैमिली का नाम है मोंटेग फैमिली और दूसरी फैमिली का नाम है कैपुलेट फैमिली। इन दोनों फैमिलीज को आप याद रखिए, मोंटेग फैमिली एंड कैपुलेट फैमिली। तो मोंटेग फैमिली के अंदर बात करें, मिस्टर मोंटेग जो फादर हैं, जो हेड ऑफ द फैमिली हैं, उनकी पत्नी का नाम है लेडी मोंटेग और इन दोनों का बेटा है रोमियो मोंटेग। याद रखिए मिस्टर मोंटेग मतलब फादर और लेडी मोंटेग उनकी पत्नी और उनका बेटा होता है, इकलौता बेटा है रोमियो मोंटेग। अगर हम बात करें बेनोवोलियो की, बेनोवोलियो जो होता है वो रोमियो का कजन ब्रदर होता है, मतलब कजन होता है। और इस मोंटेग फैमिली के अंदर दो सर्वेंट होते हैं, अब्राम एंड बैल्थजर। याद रखिए मोंटेग फैमिली के अंदर दो सर्वेंट होते हैं, दो नौकर होते हैं जो इस फैमिली में काम करते हैं, एक का नाम होता है अब्राम और दूसरे का नाम होता है बैल्थजर। अब हम चलते हैं कैपुलेट फैमिली की तरफ। कैपुलेट फैमिली के अंदर भी लेडी कैपुलेट, ठीक है, याद रखिए एक मिस्टर कैपुलेट होते हैं, उनकी वाइफ का नाम होता है लेडी कैपुलेट
और इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है जूलियट, जो कि 13 साल की ब्यूटीफुल इनकी डॉटर है, ठीक है, 13 साल की सुंदर प्यारी डॉटर है जूलियट। अब बात बात करते हैं जूलियट के कजन के बारे में, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए, इनके कजन का नाम है, जूलियट के कजन का नाम है टेबेल्ट। टेबेल्ट जो होता है, टेबेल्ट जो होता है वो जूलियट के कजन का नाम होता है। और कैपुलेट, मिस्टर कैपुलेट की एक भतीजी होती है जिसका नाम होता है रोजालिंड, रोजालिंड, राइट। तो कैपुलेट की एक भतीजी होती है जिसका नाम होता है रोजालिंड, तो याद रखिए। अब हम बात करते हैं इनके नौकर के बारे में। जिस प्रकार मॉन्टेक फैमिली के अंदर दो नौकर थे, अब्राहम एंड बेल्थाजर, सिमिलरली कैपुलेट फैमिली के अंदर भी तीन सर्वेंट्स हैं, पीटर, सैमसन एंड ग्रेगरी, ठीक है, पीटर, सैमसन एंड ग्रेगरी। तो ये तीन यहाँ के सर्वेंट हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो लीजिए, अब हम बात करते हैं रोमियो और जूलियट की समरी के बारे में, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि 15 मिनट के अंदर एक शानदार समरी आपके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। और देखिए, मेरी ये जो वीडियो है इसका पर्पस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरी ये जो वीडियो है, मैं हमेशा यूजीसी नेट एग्ज़ाम को कंसिडर करके, अपने ध्यान में रखकर ये पर्टिकुलर जो समरी है बना रहा हूँ। मैं वही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स को यहाँ डिस्कस करूँगा जिसके बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसके अलावा अगर आपने इसके टेक्स्ट को रीड करना है तो एक बार मेरी वीडियो को रीड कर ली, इसको सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप इसके टेक्स्ट को पढ़कर आसानी से समझ पाएंगे। तो लीजिए, बात करते हैं रोमियो जूलियट की समरी की। तो लीजिए, समरी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता हूँ एक बात कि इस पर्टिकुलर प्ले की सेटिंग को वेरोना सिटी में रखा गया है। इटली की बात कर रहे हैं, इटली का एक सिटी है वेरोना, जो एक रिवर के पास में है, तो उसकी सेटिंग को यहाँ पर रखा गया है। तो जब प्ले की शुरुआत होती है तो हम क्या देखते हैं कि भाई मोंटेक फैमिली और कैपुलेट फैमिली के जो सर्वेंट्स हैं, जिन सर्वेंट्स के नाम मैंने अभी आपको बताए हैं, तो अगर हम बात करें मोंटेक फैमिली के सर्वेंट्स की, तो यहाँ पर देखते हैं अब्राहम एंड बेल्थाजर। और अगर हम बात करते हैं कैपुलेट फैमिली की, तो वहाँ पर पीटर, सैमसन और ग्रेगरी। तो यहाँ पर तीन है और मोंटेक फैमिली में दो इनके नौकर होते हैं, सर्वेंट होते हैं। और हम क्या देखते हैं, पहले ही सीन के अंदर मोंटेक और कैपुलेट फैमिलीज के जो नौकर होते हैं वो गली के अंदर स्ट्रीट फाइट, ठीक है, गली के अंदर लड़ाई कर रहे हैं और आपस में अच्छी खासी गाली गलौज कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब जो लड़ाई होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और क्योंकि रीज़न क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इनके नौकर वही कर रहे हैं जो उनके मालिक करते हैं, क्योंकि मोंटेक फैमिली और कैपुलेट फैमिली जो है वो आपस में एक तरह से मतलब कट्टर शत्रु हैं, ठीक है। अगर ये शब्द कट्टर शब्द मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ तो इट विल नॉट बी रॉन्ग टू बी यूज्ड ओवर हियर, इस चीज़ को गलत नहीं होगा इस चीज़ का यूज़ करना यहाँ पर, क्योंकि ये लोग है ना खून के प्यासे होते हैं। इस प्रकार से इन लोगों के बीच में एक पक्की दुश्मनी होती है, ठीक है। जो सर्वेंट होते हैं दोनों फैमिलीज के, वो भी अपने मास्टर्स की तरह होते हैं, वो भी दोनों पक्के, वो लोग भी पक्के दुश्मन होते हैं। तो जो फाइट होती है इन सर्वेंट्स के बीच में, उनको स्टॉप किया जाता है और उनके बीच में हस्तक्षेप किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है, वहाँ के जो प्रिंस होता है एस्कलस, ठीक है, उनको बुलाया जाता है और वो आकर इसकी लड़ाई को रोकते हैं। अब आप हिसाब लगा सकते हो कि जो ये स्ट्रीट फाइट थी वो कितनी, उसकी इंटेंसिटी कितनी तेज थी कि भाई वहाँ के जो प्रिंस हैं उनको आना पड़ा इस मैटर को शॉर्ट आउट करने के लिए। तो प्रिंस जो होते हैं, एस्कलस नाम है उनका, वो आगे चलकर पहले तो इस लड़ाई को रोकते हैं और उसके बाद उसका कारण जानने की कोशिश करते हैं और लास्ट में डिक्लेयर करते हैं ये बात कि अगर इन दोनों फैमिलीज में से किसी ने भी अगर झगड़ा किया और शांति को भंग करने की कोशिश की तो उसको डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, मतलब उनको मौत की सज़ा मिल जाएगी। तो आप लोग है ना दोनों के दोनों फैमिलीज ध्यान रखो, और ठीक है, और किसी भी प्रकार का वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पेरिस जो होते हैं, मैंने आपको बताया था पेरिस कौन होता है। देखिए, मैं आपको वापस कुछ उन कैरेक्टर्स के पास ले जाता हूँ। देखिए, प्रिंस एस्कलस ये कहाँ के प्रिंस हैं, ये है वेरोना सिटी के प्रिंस। इनके फैमिलीज के अंदर दो मेंबर होते हैं, काउंट पेरिस और मर्क्यूशियो। तो ये दो कैरेक्टर के नाम याद रखिए। अब हम बात करते हैं वापस वहीं पे पॉइंट नंबर 5 के बारे में। तो देखिए, झगड़ा सॉल्व हो चुका है, प्रिंस जो होते हैं, एस्कलस जो होते हैं, वो मामले को सुलझा देते हैं और दोनों ही फैमिलीज को वार्निंग देते हैं, ठीक है, डेथ पेनल्टी की। अब क्या होता है, पेरिस टॉक्स टू कैपुलेट अबाउट मैरिंग टू हिज डॉटर।
अब पेरिस जो होते हैं, काउंट पेरिस की बात कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं, कैपुलेट फैमिली के यहाँ पर आते हैं और मिस्टर कैपुलेट से बात करते हैं। कहते कि तुम्हारी जो 13 साल की जो जवान लड़की है जूलियट, उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। एंड जो कैपुलेट होता है, मिस्टर कैपुलेट जो होते हैं, वो बोलते हैं पेरिस को कि अभी 1-2 साल वेट करो, क्योंकि अभी वो छोटी है, तो 2 साल वेट करो। तो कैपुलेट फैमिली जो होती है, अगले दिन क्या करती है, वो उन लोगों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है। उस पार्टी का नाम होता है बॉल, ठीक है, बॉल, BALL। बॉल एक प्रकार का, हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार की एक ऐसी पार्टी होती है जो कि, तो ये बॉल जो होता है ये, वैसे आपने शायद जो अभी 21st सेंचुरी में ऐसे शब्द हम बहुत कम सुनने को मिलते हैं, ये बॉल वही बॉल है जो क्रिकेट के अंदर यूज़ होती है एक्चुअल में, उसका BALL, बॉल, तो यहाँ भी बॉल बोलते हैं। मगर इस बॉल का फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ कोई कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर आप डांस करते हैं, ठीक है, ऐसी डांस पार्टी को ही हम बॉल बोलते हैं। तो होता क्या है, यहाँ पर पेरिस जो होता है वो कैपुलेट फैमिली में आता है और मिस्टर कैपुलेट से उनकी बेटी के बारे में बात करता है। तो कैपुलेट जो होता है वो साफ साफ शब्दों में बोलता है कि अभी यू हैव टू वेट 2 ईयर्स, आपको 2 साल वेट करना पड़ेगा। तो पेरिस जा ही रहे होते हैं, इतनी देर कैपुलेट जो मिस्टर कैपुलेट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको इन्वाइट करते हैं, ठीक है, पेरिस को, कि भाई हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कल, तो आपको हम इन्वाइट करते हैं। तो मिस्टर कैपुलेट की जो वाइफ होती है लेडी कैपुलेट, ठीक है, और जूलियट जो होती है उनकी एक नर्स होती है, ठीक है, मैं आपको ये नर्स के बारे में बताना भूल गया। जूलियट की जो परवरिश होती है वो, देखो लेडी कैपुलेट जो है उन्होंने जूलियट को भला ही मतलब जन्म दिया, ठीक है, और इसके ऊपर पैसा भी खर्च करते हैं उनकी परवरिश के ऊपर, जूलियट के ऊपर। मगर ये कहा जाता है इस पर्टिकुलर प्ले के अंदर कि जूलियट का सबसे ज़्यादा जो करीबी है, मतलब माँ की तरह प्यार करती है, उसकी देखभाल करती है, वो थी उसकी नर्स। तो ये कैरेक्टर आप याद रखिए। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, लेडी कैपुलेट एंड नर्स ऑफ जूलियट। तो ये क्या करते हैं, जूलियट को समझाने की कोशिश करते हैं दोनों, उनकी जो जो उनकी मदर है और ये जो नर्स है, इन दोनों, ये दोनों मिलकर जूलियट को समझाते हैं कि बेटा सुनो, काउंट पेरिस जो है वो काफ़ी अमीर इंसान हैं और अच्छे भी हैं, तो उनकी कोर्टशिप जो है, उनके जो रोमांस है, उनका प्यार है, उनको एक्सेप्ट करो और उनके बाद उनसे शादी करने का सोचो। तो इस प्रकार वो उसको थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी होता है, थोड़ा समझाना भी होता है, दोनों ही चीज़ें हैं। तो अब क्या होता है, अब हम बात करते हैं कैपुलेट फैमिलीज की। उन लोगों ने भाई अगले दिन, नेक्स्ट डे, एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है जिसका नाम है डांस पार्टी, जिसको हम बॉल बोलते हैं। अब क्या होता है, मोंटेक फैमिलीज की बात करते हैं। मोंटेक फैमिली के अंदर जो कज़न ऑफ रोमियो होता है, ठीक है, आपको बताया था बेनेवोलियो, ठीक है, सीन क्या होता है, अगला सीन शुरू होता है। तो मोंटेक फैमिलीज के अंदर हम जाते हैं, मोंटेक फैमिली में क्या देखते हैं कि रोमियो जो है वो अपने कज़न बेनेवोलियो के साथ बैठा होता है, और बेनोवोलियो जो होता है वो रोमियो को समझा रहा होता है। रोमियो बड़ा चुपचाप होता है और बड़ा ही सोच में होता है। एक्चुअल में कारण मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या है। एक्चुअल में रोमियो को एक लड़की पसंद आई थी, ठीक है, जिसका नाम है रोजालिन। आपको याद होगा मिस्टर कैपुलेट की जो भतीजी है रोजालिन, वो शुरुआत में रोमियो को पसंद आई थी और रोमियो उसके बारे में सोच रहा होता है। तो रोमियो का जो कज़न है बेनेवोलियो, वो उसे समझाता है कि रोमियो ऐसे चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम एक काम करो कि जो कैपुलेट फैमिली है उन्होंने एक बॉल ऑर्गेनाइज़ किया, एक डांस पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया, तुम जाके उस डांस पार्टी में जाओ चुपचाप। हालांकि ये पता है कि मोंटेक फैमिली और कैपुलेट फैमिली की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती, मगर और उन लोगों ने हमें मोंटेक फैमिलीज़ को इन्वाइट भी नहीं किया पार्टी के लिए, मगर फिर भी रोमियो जो होता है वो चुपचाप उस तैयारी करता है कि किसी न किसी प्रकार कैपुलेट फैमिली की जो ये पार्टी है इसमें जाए और उस लड़की, मतलब मिस्टर कैपुलेट की जो भतीजी है रोजालिन, उससे जाकर मिले। मगर देखिए यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट है, और मज़ा कब आता है, जब जब बेनेवोलियो और मर्क्यूशियो, ठीक है, मर्क्यूशियो याद है आपको, जो एस्केलस जो है, हमारे जो प्रिंस हैं उनकी फैमिलीज के अंदर ये एक किन्स मैन है, मतलब फैमिली मेम्बर की तरह है ये रिलेशन में उनके। तो यहाँ पर बेनेवोलियो और मर्क्यूशियो ये दोनों ही रोमियो को मनाते हैं, उसको मतलब करते हैं कि भाई यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला,
तुम तैयारी करो, कैपुलेट फैमिली जो है वो बॉल डिसाइड कर रही है, पार्टी है इनके, डांस पार्टी, वहां पर जाओ और जाकर रोजालिंड से मिलो, ठीक है। मगर यहां पर कहानी में ट्विस्ट कब आता है? ट्विस्ट जब आता है कि जब रोमियो पार्टी के अंदर जबरदस्ती, मतलब छुप छुपा कर घुस जाता है, और जैसे ही वो बॉल के अंदर, मतलब पार्टी के अंदर जाता है, तो वो रोजालिन को, मतलब रोजालिन की तरफ देखने की बजाय, वो जैसे ही उसकी नजरें जूलियट के ऊपर पड़ती है, वो 13 साल की प्यारी सी और सुंदर लड़की पे पड़ती है, वो रोजालिन रोजालिन को भूल जाता है और इंस्टेंटली वो उसके प्यार में पड़ जाता है और पागल सा हो जाता है, ठीक है। अब इसी बीच क्या होता है कि वो देख रहा होता है जूलियट को। अब ड्यूरिंग द बॉल कैपुलेट फैमिली जो होती है वो इसको रोमियो को देख लेती है कि ये जूलियट की तरफ देख रहा है, ये मतलब मोंटेक फैमिली को तो हमने इनवाइट नहीं किया, ये तो हमारे मतलब कट्टर शत्रु हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्यूरिंग द बॉल बॉल चल रही होती है, डांस पार्टी चल रही होती है, तो कैपुलेट फैमिलीज के मेंबर तो वो रोमियो मोंटेक को देख लेते हैं, और जैसे ही उसको देखते हैं, उसको धमकाते हैं, उसको पकड़ के उसकी कॉलर, उसको बोलते हैं कि हु द हेल यू आर, तुम कौन हो यहाँ पर, और तुम्हें किसने, मतलब हु द हेल इन्वाइटेड यू इन द पार्टी, ओके, एंड व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो ये सारे सवाल एक के बाद उसके मुंह पे आके पड़ते हैं, और वो एक का भी जवाब नहीं दे पाता। अब रोमियो को पता है कि बस उसके पढ़ने वाली है, और जैसे ही टेबाल्ट जो होता है, मैंने आपको बताया था जूलियट का जो कज़न है टेबाल्ट, वो उसको पीटने ही वाला होता है, वो उसको मारने ही वाला होता है, मगर इसी बीच कैपुलेट, मिस्टर कैपुलेट जो होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, और वो ये कहकर अपने मतलब भतीजे को, मतलब टेबाल्ट को रोक देते हैं, अपने बेटे को, टेबाल्ट को जो जूलियट का कज़न होता है, कि भाई तुम रोमियो को पीटो मत, मारो मत, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी प्रकार का ना खून खराबा नहीं चाहता अपने घर में, ठीक है, तो इसको यहाँ से भगाओ और बाद में देखेंगे इस मैटर को। तो ये मैटर यहाँ पर ख़त्म होता है, सीन ख़त्म होता है और पर्दा गिर जाता है। अब हम अगले सीन की तरफ चलते हैं। जैसे ही पर्दा उठता है तो हम देखते हैं कि बालकनी का सीन है, ठीक है, और बालकनी का सीन चल रहा है, और जैसे ही डांस पार्टी ख़त्म होती है, रोमियो जो होता है वो, एक्चुअल में मैंने आपको बताया था रोमियो प्यार में तो पड़ चुका है, और पहले तो वो जो रोजालिन होता है वो जितनी खूबसूरत नहीं होती, मगर फिर भी वो उसके प्यार में काफ़ी ज़्यादा टेंशन में, मतलब ऑब्वियस ही बात है, यंग जनरेशन कैन अंडरस्टैंड इजली व्हाट आई मीन टू स्पीक। तो यहाँ पर देखिए, तो जैसे ही रोमियो जो होता है वो जूलियट को देखता है, वो काफ़ी प्यारी लड़की होती है, 13 साल की ब्यूटीफुल गर्ल होती है, उसको देख के वो प्यार में पड़ जाता है, और वो उससे रहा नहीं जाता, वो क्या करता है, वो कैपुलेट जो फैमिली है उनके घर के अंदर एक ऑर्चर्ड होता है, ऑर्चर्ड एक प्रकार का छोटा बगीचा होता है, अगर आप किसी हवेली या फिर मैशन के अंदर जाते हैं, कोई अच्छा मतलब कोई एक बंगलों के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा बगीचा बना होता है, तो कैपुलेट फैमिली के घर के अंदर भी यहाँ पर एक ऑर्चर्ड होता है, तो हमारा जो हीरो है रोमियो है वो ऑर्चर्ड में घुस जाता है ज़बरदस्ती, और वहाँ पर वो जूलियट को देख ही रहा होता है, तो जूलियट किसी से बातें कर रही है, ठीक है, और वो अपनी खिड़की के पास, मतलब जो कमरा होता है, कमरे के बाहर बगीचा होता है, और उसके वहाँ पर वो खिड़की के उस तरफ बात कर रही होती है किसी से, और वो रोमियो के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि रोमियो बाल के अंदर, मतलब डांस पार्टी के अंदर जूलियट को देखता है, और जूलियट भी रोमियो को देखती है, मगर वो एक दूसरे को जानते नहीं अच्छे से। तो अब जान पहचान बढ़ाने के लिए, जूलियट से बात करने के लिए, रोमियो जो होता है वो और कैपुलेट फैमिली के ऑर्चर्ड में घुस जाता है, और वहाँ पर वो क्या देखता है कि जो जूलियट है वो किसी से रोमियो के ही बारे में बात कर रही है, ठीक है, और चुपचाप रोमियो इस जूलियट की बातें सुन रहा होता है कि भाई वो मुझसे प्यार करती है, ठीक है। हालांकि ये सब जानते हुए भी जूलियट को ये पता होता है कि जो मोंटेक फैमिली है, हमारी फैमिली कितना नफरत करती है, इन सब बातों के बारे में जानने के बावजूद भी वो जूलियट जो होती है वो अपना प्यार रोमियो की तरफ दिखाती है, और वो किसी से बात कर रही होती है, ये बात रोमियो वहाँ ऑर्चर्ड में बैठा चुपचाप सुन लेता है। तो अब रोमियो में पूरी हिम्मत आ जाती है, वो सोचता है कि अब तो मैं जूलियट से बात करूँगा, तो अब वो जूलियट के सामने जाता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि भाई मैं रोमियो, हाय आई एम रोमियो रोमियो मोंटेग एंड आई रियली लव यू, एंड तो ये लोग बातें बातें करते हैं, और फाइनली बात का जो कंक्लूज़न ये निकलता है कि वो लोग एक दूसरे के साथ प्रॉमिस करते हैं, गले लगते हैं कि भाई अब हम शादी करेंगे, ठीक है। तो मगर शादी कैसे करें, है ना, प्रॉब्लम तो यही है, मोंटेग और कैपुलेट फैमिली जो है वो खून की प्यासी है।
तो यहाँ पर एक कैरेक्टर है फ्रायर लॉरेंस, ठीक है, फ्रायर लॉरेंस। तो फ्रायर लॉरेंस एक प्रकार का मतलब फादर टाइप में होता है, चर्च में होता है ये, तो फ्रेंसिस्कन टाइप का कैरेक्टर है। अगर हम कैरेक्टर्स की लिस्ट देखते हैं, मैं दोबारा बताता हूँ आपको, अगर हम कैरेक्टर्स की तरफ जाते हैं, देखिए देखिए यहाँ पर मैंने प्रिंस एस्केलस के लेफ्ट साइड में देखिए आप, ठीक है, फ्रायर लॉरेंस जो है वो एक फ्रांसिस्कन फ्रायर होता है, ठीक है। फ्रांसिस्कन फ्रायर वो होता है एक ऐसा फ्रायर जो फ्रांसिस्कन जो मतलब जो सिद्धांत है उनको मानता है, ठीक है। तो लीजिए अब हम अपनी सीन की तरफ वापस चलते हैं। तो अब देखिए बात चल रही है शादी की, तो शादी कैसे करें, मगर उन दोनों ने प्रॉमिस कर दिया। अब रोमियो जो होता है वो भाई फ्रायर लॉरेंस के पास जाता है कि भाई शादी करनी है हम लोगों ने, और आपको पता है कि जो हमारी फैमिली मॉन्टेग और कैपुलेट फैमिली जो है वो खून की प्यासी है, तो शादी तो हमारी वैसे पब्लिकली तो पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम सीक्रेटली मैरिज कर लें। तो फ्रायर लॉरेंस जो होता है वो इन दोनों को समझाता है, देखो रोमियो सुनो, कि हालांकि मैं जानता हूँ, फ्रायर लॉरेंस बोल रहा है मॉन्टेग रोमियो मॉन्टेग को, कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली और कैपुलेट फैमिली के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मगर याद रखो तुम दोनों की शादी अगर एक बार हो जाती है तो आगे चलकर शायद सब चीज़ें सुधर जाएंगी। तो रोमियो और जूलियट यही आशा लेकर, यही सोचकर वो सीक्रेटली मैरिज कर लेते हैं। अब क्या होता है, मैरिज करने के बाद अगले दिन एक ड्यूल होता है। ड्यूल का मतलब बताता हूँ, ड्यूल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, जब दो एक और एक, ठीक है, आपस में लड़ते हैं, उसको ड्यूल बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, अब आपको पता है रोमियो लास्ट 2 दिन पहले बॉल डांस पार्टी में गया था कैपलेट फैमिली की, तो वहां पर इसकी तू तू मैं मैं और हाथापाई हुई थी टबाल्ट के साथ, जो कि जूलियट का कजन है। तो यहाँ पर टबाल्ट जो होता है वो अभी भी काफी ज्यादा रोमियो के ऊपर गुस्सा है, क्योंकि उसने बिना परमिशन के पार्टी के अंदर बॉल के अंदर एंटर हो गया था। और अब टेबल्ट जो होता है वहाँ पर, तो जो मिस्टर कैपुलेट जो थे उन्होंने रोक दिया कि भाई तुम घर के अंदर कोई भी खून खराबा मत करो, मगर अब मैं इसको देख लूँगा, ये टेबल्ट सोचता है। तो टेबल्ट जो होता है वो रोमियो को बोलता है कि बेटा अब आ जा तू ड्यूल करने के लिए, ठीक है। मगर रोमियो जो होता है वो अकेला नहीं होता, वो उसके साथ होता है, उसका जो नौकर होता है, अगर आपको याद हो उसका जो नौकर है, जो एक तो उसका नाम था, एक मिनट रुकना जी, सॉरी, जो रोमियो का जो नौकर था मतलब मॉन्टेक फैमिली के अंदर जो बर्क्यूशियो था, ठीक है, और इस प्रकार वो टेबल्ट जो होता है वो रोमियो को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है। और रोमियो जो होता है वो कहता है कि मैं चैलेंज क्या एक्सेप्ट करूं यार तेरा, क्योंकि मेरी जूलियट से शादी हो चुकी है और तुम जूलियट के कज़न हो, तो इस हिसाब से तो तुम मेरे भी रिश्तेदार हुए। वो बोलता नहीं उसे, वो मन में सोचता है, और टेबल्ट की बातों को वो लाइटली लेता है क्योंकि वो अब उसका फैमिली मेम्बर है। मगर जो टेबल्ट जो होता है वो बड़ा उसको बड़ा भला बुरा बोलता है। तो अब रोमियो के साथ मर्क्यूशियो होता है, और मर्क्यूशियो जो होता है वो उस बात को बड़ा नेगेटिव ले लेता है कि मतलब ये क्या है रोमियो, तुम्हें टेबल्ट भला बुरा बोले जा रहा है, बकवास की जा रहा है, तुम उसको मारने की बजाय उसको दो चार लगाओ, तुम पीटो उसको, तुम उसको पीट नहीं रहे हो और तुम उसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो ये बातें सुनने के बाद मर्क्यूशियो जो होता है इस द्वंद्व युद्ध को अपने जिम्मे लेता है, कहता है मैं रोमियो की तरफ से लड़ूंगा। और रोमियो जो होता है वो अपने आप को, देखिए अब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, मर्क्यूशियो जो होता है उसकी फाइट होती है टेबेल्ट के साथ, और टेबेल्ट जो होता है वो मर्क्यूशियो को मार देता है, ठीक है, उसको मार देता है, उसको जान से मार देता है। तो मर्क्यूशियो के मरने के बाद रोमियो को बड़ा बुरा लगता है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो गुस्से में आके टेबेल्ट को मार देता है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा केस जाता है कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब कोर्ट किसका होता है, एस्केलस का, ठीक है, जिसका नाम होता है प्रिंस एस्केलस। अब जब इसके दरबार में बात जाती है तो वो सारी बातें सुनते हैं। तो मर्क्यूशियो जीज फैटली वाउंडेड, सो फाइनली रोमियो इज इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज ही किल्ड टेबेल्ट। तो इस प्रकार मर्क्यूशियो जो होता है वो पूरी तरह से जो मतलब जो टाइबेल्ट होता है वो मर्क्यूशियो को मार देता है, और अब टाइबेल्ट को हमारे हीरो रोमियो उसको मार देता है। अब क्या होता है, अगला सीन क्रिएट होता है। अगले सीन में क्या होता है, ये सारे के सारे लोग दरबार में होते हैं,
और यहाँ पर बेनेवोलियो जो कि रोमियो का दोस्त होता है, सॉरी रोमियो का नौकर होता है, वो वहाँ पर होता है। तो ये अपनी आंखों से देखता है और राजा को, प्रिंस को बताता है कि देखिए प्रिंस, यहाँ पर मर्क्यूशियो को टेबेल्ट ने जान से मार दिया, और इस हिसाब से ठीक है रोमियो ने न्याय करने के लिए टेबेल्ट को मार दिया जान से। तो एक तरफ तो प्रिंस जो होता है वेरोना, जो प्रिंस ऑफ वेरोना होता है, वो काफ़ी ज़्यादा निराश होता है क्योंकि मर्क्यूशियो ज़्यादा वो उनकी फैमिली मेम्बर जैसा था, किन्स मैन था वो। तो दूसरी तरफ टेबेल्ट को भी मर्डर किया गया है और रोमियो के द्वारा। तो प्रिंस डिसीजन लेते हैं लास्ट में कि भाई मेरा ये डिसीजन है कोर्ट के अंदर कि हालांकि मर्क्यूशियो जो मरा है, जो जिसने जिसको टाइबेल्ट ने मारा है, वो मेरी फैमिली मेंबर जैसा था और हमारी फैमिली में एक मेंबर कम हो चुका है तो ये मुझे पता है, मगर इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि भाई टाइबेल्ट जो है वो भी, उसको भी मारा गया है और किसी और से नहीं, रोमियो के द्वारा। तो अब जो प्रिंस होते हैं वो अब सज़ा सुनाते हैं रोमियो को कि रोमियो तुम्हें अब मैं वेरोना सिटी से एग्जाइल कर रहा हूँ, यहाँ से तुम्हें एक तरह से तड़ी पार करना, ठीक है, मतलब तुम अब लाइफ में कभी भी वेरोना सिटी के अंदर नहीं घुस सकते, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कहीं भी घूमते हुए अगर पकड़े गए तो तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इस डिसीजन के साथ कोर्ट ख़त्म हो जाता है और इस प्रकार उसको पेनल्टी मिल जाती है। तो ये एक सीन था। अगले सीन में देखिए, अब रोमियो की तो भाई शादी हो चुकी है जूलियट के साथ और जूलियट तो अभी वेरोना में रह रही है, तो रोमियो कैसे रुक सकते हैं। तो इसी बीच रोमियो डिसाइड करता है कि भाई वो जूलियट से मिलेगा। तो वो आता है वेरोना सिटी में और जूलियट के चैम्बर में, मतलब चैम्बर मतलब उसके कमरे में आता है और उसके साथ कंज्यूमेट देयर मैरिज, और उसके साथ जो फर्स्ट नाइट होती है वो उसके साथ स्पेंड करता है और अपने मतलब अपनी पूरी रात उसके साथ स्पेंड करता है और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करते हैं। हालांकि उनकी जो शादी है वो पब्लिकली अनाउंस नहीं हुई है, तो ये बात आप याद रखिए। अब देखिए अगला सीन। अगले सीन में क्या होता है, देखिए अब हम चलते हैं कैपुलेट फैमिली के यहाँ। कैपुलेट फैमिली में जूलियट है, और जूलियट जो है देखिए वो उसके जो फादर होते हैं मिस्टर कैपुलेट, और उनकी जो मदर होती है जूलियट की, ठीक है, मिसेस कैपुलेट, आई मीन जो लेडी कैपुलेट है, वो दोनों मिलकर लगभग जूलियट को फोर्स करते हैं कि तुम काउंट पेरिस से शादी क्यों नहीं कर रही हो, ठीक है, तुम क्यों खामखा रोमियो के चक्कर में पड़ी हो, ठीक है, और तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ अपनी बेटी को वार्निंग देते हैं कि तुम्हें वार्न कर रहे हैं, तुम सुधर जाओ, ठीक है, वरना तुम्हें ना फैमिली से बेदखल कर दिया जाएगा, ये जूलियट को वार्निंग देकर चले जाते हैं। अब जूलियट जो होती है अब वो परेशान, करे क्या भाई, तो जिसने उसकी शादी करवाई थी फ्रायर लॉरेंस ने, तो याद रखिए ये एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि उनकी शादी को ऑर्गेनाइज करने वाले कौन थे, तो याद रखिए इस पॉइंट को। अब आगे चलते हैं। जूलियट जो होती है वो उसको पता होता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काउंट पेरिस से शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हैं बार बार। तो जूलियट पहुंच जाती है फ्रायर लॉरेंस के पास। तो फ्रायर लॉरेंस जो होते हैं, जो कि उनकी शादी वाले दिन बोल रहे थे कि भाई तुम टेंशन मत लो कि मोंटेग और जो कैपलेट फैमिली है तुम्हारी शादी के बाद मान जाएगी, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि जूलियट पे अब प्रेशर डाला जा रहा है मिस्टर और मिसेज कैपलेट के द्वारा कि तुम जल्दी जल्दी शादी करो काउंट पेरिस के साथ और अपना घर बसाओ, ठीक है, क्यों ये फालतू में जूलियट रोमियो के पीछे पड़ी, मतलब रोमियो के साथ अपना समय मत खराब करो। तो अब जूलियट इस बात को सोचते हुए कि अब क्या करना चाहिए, रोमियो जो है वो तो तड़ी पार हो चुका है, उसको तो एग्जाइल मिल चुका है, तो जूलियट जाती है फ्रायर लॉरेंस के पास। तो लॉरेंस जो होता है वो उनको एक प्लान समझाते हैं, ठीक है, अब देखिए ये प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एक ट्विस्ट भी है और ये कहीं ना कहीं इन दोनों को मतलब इनको ट्रेजेडी की तरफ ले जाएगा। तो देखिए अगर अपन एरिस्टोटल की बात करें, मतलब व्हाट काइंड ऑफ ए डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी एरिस्टोटल गिवन अस, तो एरिस्टोटल ने भी कहा था कि अगर ना देखो कथारसिस जो होता है, ठीक है, कथारसिस कब आता है, जब आपने कोई आपकी लाइफ में एक हमारशिया हो, हमारशिया का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कथारसिस आता है और आपकी लाइफ में ट्रेजेडी आती है। तो जूलियट और रोमियो ने भी यहाँ पर एक गलत डिसीजन ले लिया था,
और वो डिसीजन ये था कि जूलियट फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है और लॉरेंस इनको बोलते हैं, एक प्लान बताते हैं कि अगर तुमने इस शादी को स्थगित करना है, मतलब पोस्टपोन करना है, अगर तुम्हें समय चाहिए तो तुम एक काम करो, शादी वाले दिन के लिए मैं तुम्हें एक पोशन देता हूँ, एक प्रकार की दवा है, अगर तुम उसको पी लोगी तो तुम लगभग 42 आवर्स के लिए ना इस प्रकार नींद आ जाएगी, लोगों को ऐसा लगेगा कि तुम मर चुकी हो बट वास्तव में तुम मरी नहीं हो, ठीक है। इस प्रकार तुम्हें 2-3 दिन का टाइम मिल जाएगा और रोमियो जो है वो, मैं रोमियो के पास एक मैसेंजर को भेज दूंगा, रोमियो को इन्फॉर्म कर दूंगा कि भाई तुम्हारी शादी जो है वो ज़बरदस्ती काउंट पेरिस के साथ करवाई जा रही है, तो वो आ जाएगा और मतलब आगे मामले को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रायर लॉरेंस जो होता है वो एक प्लान बनाता है जूलियट के साथ मिलकर, जूलियट को एक पोशन देता है कि तुम शादी वाले दिन इसको पी लेना, इसको पीने के साथ ही तुम इस प्रकार नींद में चली जाओगी कि लोगों को लगेगा कि तुम मर चुकी हो, तुम एक डेड बॉडी हो बट वास्तव में तुम जिंदा रहोगी, ठीक है। दूसरी तरफ पोशन देने के बाद दूसरी तरफ फ्रायर लॉरेंस जो होता है वो अपना एक मैसेंजर भेजते हैं रोमियो के पास ताकि वो उसको इन्फॉर्म करे पूरे प्लान के बारे में, कि रोमियो को जाकर बताए कि भाई हम उसको एक ऐसा पोशन देने वाले हैं जिससे कि वो लोगों को लगेगा कि वो मर चुकी है बट वास्तव में वो जिंदा है। मगर ट्विस्ट कहाँ पर आता है इस कहानी में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब ट्रेजेडी कहाँ बनती है। अब क्या होता है, शादी वाला दिन आता है जब काउंट पेरिस और जूलियट की वेडिंग होने वाली होती है, जूलियट जो होती है उस पोशन को ले लेती है और उस पोशन को लेने के बाद डेड बेड, जो डेड बेड होता है उस पर लेट जाती है, लोगों को लगता है वो मर चुकी है मगर ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, जो फ्रायर लॉरेंस ने जो मैसेंजर रोमियो के पास भेजा था, एक्चुअल में ट्विस्ट यहीं पर है, वो मैसेंजर जो होता है वो रोमियो के पास जाता ही नहीं, पहुंचता ही नहीं उसके पास। अब रोमियो को ये मैसेज मिलता नहीं कि भाई जूलियट जो है वो एक प्रकार का प्लान है उसका, वो एक ड्रामा कर रही है, मगर रोमियो के बाद ये खबर जरूर पहुंच जाती है किसके द्वारा, बैल्थजर के द्वारा जो उसका सर्वेंट होता है, ठीक है। ये खबर उसके पास जरूर पहुंच जाती है कि भी जूलियट जो है उसने अपनी वेडिंग डे के दिन ही जहर पीकर अपनी आपको मतलब वो शी हैज़ बीन डेड कम्प्लीटली, शी गॉट डाइड। तो ये खबर मिलती है तो रोमियो तो पूरा टूट जाता है। अब दुख में भरा हुआ रोमियो फटाफट जाता है अपैथेकरी की शॉप पे, अपैथेकरी एक प्रकार का मेडिकल शॉप होता था उस समय, अपैथेकरी बोलते थे इसको, वहाँ पर जाता है और पॉइजन की एक बोतल लेके आता है, और पॉइजन की बोतल लाने के बाद वो जाता है कैपुलेट फैमिली में, वहाँ पर जाकर अपनी वो जो जूलियट है, मरी हुई जूलियट है उससे मिलता है, मिलता क्या मतलब वो अभी लेटी हुई है, तो उसके पास जाता है और उसके जो फनरल होता है उसको अटेंड करता है और उसके साथ ही वहीं पर जहर पी लेता है और वहीं पर जाके मर जाता है। उसको ये लगता है कि जूलियट मर चुकी है तो मैं उसके साथ मर जाऊँ, मगर जैसे ही वो मरता है जूलियट को होश आता है, होश आने के बाद जूलियट जो होती है वो देखती है कि ये तो गलत काम हो गया, मतलब पूरा एकदम ही मतलब प्लान के एकदम अगेंस्ट चले गए, अब मेरा जो लवर है, मेरा जो बिलव्ड है वो मर चुका है। तो जूलियट क्या करती है, जूलियट एक चक्कू लेती है, एक डैगर लेती है और उससे अपने आप को स्टैब कर लेती है, स्टैब्स कर लेती है, और स्टैब करने के बाद वो भी उसके साथ ही मर जाती है, ठीक है। तो अब उनकी मौत के साथ क्या होता है, जो दोनों फैमिलीज होती है, कैपुलेट फैमिली और मोंटेक फैमिली, ठीक है, अब वो उन दोनों की जो जो तीन डेथ होती है, तीन डेथ कहाँ होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो रोमियो होता है, अब क्या होता है कि अभी अभी वो उसके पास गया था, जूलियट की जो मतलब फनरल है वहाँ पर गया, वहाँ पर जब रोमियो जब काउंट पेरिस को देखता है तो वो भड़क जाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ, मेरी होने वाली सॉरी मेरी वाइफ जूलियट मर चुकी है, तो वो पेरिस को भी मार देता है और पेरिस को मारने के साथ ही वो खुद जहर पी के खुद मर जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन एक्सपायर होते हैं, मौत होती है। तो अब ये दोनों फैमिलीज क्या करती हैं, इन तीनों की मौत का जो टूम होता है, मतलब जो कब्रिस्तान होता है जो, ठीक है, वहाँ पर होते हैं, तो वहाँ पर ये लोग काफ़ी शोक मनाते हैं। और वहाँ पर आता है फ्रायर लॉरेंस, वो अब इन दोनों फैमिलीज़ को सारी कहानी बताता है कि किस किस प्रकार ये जो स्टार क्रॉस्ड लवर है, मतलब ये अभागे जो प्यार करने वाले हैं, इनके साथ कितना बुरा हुआ। तो सारे सुनकर बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं और दुख डबल हो जाता है इनका। मगर इस ट्रेजेडी के अंदर अच्छी बात ये होती है कि मोंटेग और कैपिटल जो कैपुलेट फैमिलीज में जो काफ़ी समय से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो
जो फाइट चल रही होती है वो अब मिट जाती है। ये दोनों फैमिलीज मिलकर डिसाइड करती हैं कि अब हमारे बीच में जो वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट था उसका हम अंत करते हैं और अब हमारी लड़ाई किसी प्रकार से नहीं है। तो इस प्रकार प्रिंस ऑफ वेरोना जो होते हैं वो भी उस फनरल में आते हैं और वहाँ पर एक एलेजी, एलेजी एक ऐसा पोइम होता है जो कि किसी की मौत पर गाया जाता है, ठीक है। तो वो एक एलेजी सुनाते हैं इनके लवर के मौत के ऊपर। तो वो एलिजी की दो लाइन हैं, वो याद रखिए, शायद एग्जाम में पूछी जा सके। फॉर नेवर वॉज ए स्टोरी ऑफ मोर वू देन दिस ऑफ जूलियट एंड हीज रोमियो। तो देखिए देखिए, ये जो एलिजी होते हैं इसके दो लाइनें हैं, इसका मतलब ये हुआ सीधा साधा, वो का मतलब होता है दुख होना। तो प्रिंस ऑफ वेरोना बोलते हैं कि जितना दुख जूलियट और उसके लवर रोमियो की के ऊपर, उसकी कहानी को सुनकर उसके मौत के ऊपर दुख हो रहा है, इतना दुख तो कभी नहीं था, किसी की स्टोरी पर इतना दुख नहीं हुआ। तो इस प्रकार ये जो कहानी है ये ख़त्म हो चुकी है। तो गाइज, विद दैट प्लॉट आई एम सपोज टू एंड माई लेक्चर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू फील दैट यू वॉन्ट टू सजेस्ट मी एनी ऑफ द थिंग्स, प्लीज़ सजेस्ट मी, फील फ्री टू सजेस्ट मी, ओके। So I'll take your leave now and with a promise that I'll be back with a new video. Till then, bye bye. Thank you very much.